हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे क्लच की वर्किंग। क्लच होता क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। देखो, हमें गाड़ी जब भी ड्राइव करनी है, चाहे आप मोटरसाइकिल पे हो चाहे आप कार पे हो, ठीक है, तो हमें दो चीजें कंट्रोल करनी है। क्या है? सबसे पहले होता है कार का इंजन। अगर मैं थोड़ा सा इसके ड्रॉ कर दूं तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आ सकता है। तो कार का इंजन आगे यहां पे है, देखते हैं। हाँ, तो यहां पे मान लेते हैं कि कार का इंजन है, ये इंजन है। तो इंजन जो है वो आपने स्टार्ट कर दिया। अब इंजन जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास गियर कौन सा रखते हैं? हम न्यूट्रल। अब न्यूट्रल रखने का मतलब क्या है और क्लच का मतलब क्या है, दोनों चीजें हम समझेंगे। तो ये जो इंजन है अभी अकेला घूमेगा। हमारा काम क्या है कि जब भी हम चाहें तो इंजन को टायर से कनेक्ट कर दें और जब भी हम चाहें तो इंजन को टायर से डिसकनेक्ट कर दें, अलग अलग कर दें उनका रोटेशन या इकट्ठा कर दें। अब ये काम कौन करे? देखो, मेरे पास क्या करूं मैं, सीधी सी देखना, एक छोटे सी ड्राइंग के मदद से आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, मैं सीधा सीधा आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये काम, ठीक है। अगर मान लो कि ये इंजन है, इंजन है और यहां पे ये व्हील है। अब मुझे करना क्या है, ये इंजन से व्हील को पावर देनी है। अगर मैंने सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया, सीधा कनेक्ट कर दिया, उससे होगा क्या? होगा ये कि इंजन जब भी स्टार्ट होगा तो टायर भी मूव कर जाएंगे। अब पड़ गया पंगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पे एक गियर बना दिया, गियर सिस्टम बना दिया। और ये जो गियर सिस्टम है, यहां पे लीवर लगा दिया उसका, मान लो, और लीवर लगा दिया, और वो जो लीवर है उसको हमने मूव करके और इसको न्यूट्रल गियर में डाल दिया। कि गियर तो जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, गियर जुड़े हुए होंगे लेकिन आगे मोशन नहीं ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको गियर वाली अलग से वीडियो बना के दूंगा और उसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास गियरिंग में क्या होगा कि गियर तो लग होगा लेकिन न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल में मेरे पास क्या होगा कि अभी इंजन घूम रहा है और व्हील नहीं घूम रहे, व्हील नहीं घूम रहे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहला गियर डाल दिया। पहला गियर जब डाला तो इंजन चल रहा था तो व्हील भी चलने शुरू हो गए और ये व्हील भी चलने शुरू हो गए। अब मुझे क्या चाहिए कि मैंने मान लो पहला गियर ही रखना है लेकिन मुझे क्या है, थोड़ी सी स्पीड कम करनी है या मुझे क्या करना है, ब्रेक लगानी है, लेकिन पहला गियर मैंने निकालना नहीं है, न्यूट्रल में नहीं डालना। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसमें दो प्लेटें लगा दी, इस तरह से दो प्लेट्स लगा दी, ठीक है। तो ये जो दो प्लेटें हैं ना, इसका सारा काम है, इसको कहते हैं क्लच प्लेट्स, क्लच प्लेट्स। तो अभी क्या है कि अब इंजन से व्हील को पावर जाना ना जाना इस क्लच पे डिपेंड करेगा। आपने यहां से क्लच का पैडल दबा दिया, जब आपने क्लच का पैडल दबाया तो ये जो दो प्लेट्स है ये आपस में दूर दूर हो जाएंगी। तो इससे होगा क्या कि मेरे पास ये वाली जो शाफ्ट है इंजन वाली, वो चलती रह जाएगी और टायर फ्री हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो मेरे पास इस तरह से, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि प्लेट्स किस तरह से वर्क करेंगी और ये किस तरह से वर्क करेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक छोटा सा आपको मॉडल बना के समझाता हूं ताकि आपको इजी वे से समझ आ सके। यहां पे ये जो प्लेट्स हैं, मैंने इसको मॉडल की तरह बनाया है। तो जब भी आपने क्लच दबाना है, क्लच प्रेस कर देना है, प्रेस करोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगी प्लेट्स, क्लच प्लेट्स अलग अलग होगी, इंजन घूमता अपनी जगह पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और व्हील अपना फ्री हो जाएंगे। आप पहले पे हो, दूसरे गियर पे हो, तीसरे गियर पे हो, चौथे गियर पे हो, जिस मर्जी गियर पे हो, आप बस क्लच दबा दो तभी इंजन अपना फ्रीली यहां पे घूमेगा और ये अपना घूमेगा।
ठीक है, इसको कोई पावर नहीं मिलेगी, इंजन के पास तो पावर है, इंजन के पास तो पावर है, ये अपना घूमेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये नहीं घूम पाएगा, ये थोड़ी देर घूम के रुक जाएगा। इसीलिए चाहे फोर्थ गियर पे हो, क्लच दबा दो, उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी स्लो होनी शुरू हो जाएगी, वो अपने आप रुक भी जाएगी, क्योंकि इस कितनी देर ये अपने आप चलेगा, जैसे ही आप क्लच छोड़ते हो तो ये प्लेट्स आपस में जुड़ जाती हैं, और इसमें होती है फ्रिक्शन, इस पर होती है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण, खुरदरापन ज़्यादा होने के कारण ये एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, और ये इकट्ठा घूमना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो मेरे पास मेन मकसद क्या आ गया कि क्लच मैंने बनाना क्यों है, किस लिए बनाना है, एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं ताकि आपको क्लियर वे से समझ आ सके। तो यहां पे आ गया इंजन, इंजन उसके बाद क्लच प्लेट्स, ये क्लच प्लेट आ गया, ये क्लच प्लेट्स है, और उसके बाद मेरे पास यहां पे गियरिंग मैकेनिज्म होगा, गियर बॉक्स होगा, गियर बॉक्स होगा, और फिर मेरे पास क्या आएगा, व्हील आ जाएंगे जो घूमना है, वहां तक पावर पहुंचनी है। अब मेरे क्लच प्लेट ये कौन कंट्रोल करेगा, मैं खुद कंट्रोल करूंगा, यहां से मेरे पास क्लच पैडल है, जो क्लच पैडल दबा दिया तो ये अलग अलग, प्रेस कर दिया तो ये अलग अलग हो जाएंगी, जब भी मैं क्लच पैडल को छोड़ता हूं, रिलीज कर देता हूं, तो ये प्लेट्स आपस में जुड़ जाएंगी और एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूं ताकि आपको समझ आ सके, ये जुड़ गई और व्हील को पावर मिल गई। ये गियर क्लच का जब आपने डालने होते हैं तब क्यों प्रेस करना क्लच, वो इसलिए करना होता है कि जब आप इंजन को छोड़ देते हो, इस तरह दूर कर देते हो, तो इसमें पावर नहीं होती, तो यहां पे गियर डालना आसान हो जाता है, गियर डालना आसान हो जाता है। जब आप अगर चलते हुए में गियर डालोगे, इसमें पावर है, ठीक है, इसमें पावर है, गियर डालोगे तो यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है गियरिंग में। ठीक है, गियर आपस में जुड़ेंगे जब, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, क्लच दबा लेते हैं, प्लेट्स को अलग अलग कर लेते हैं, तो गियर डाल लेते हैं, फिर दोबारा छोड़ देते हैं, फिर दोबारा घूमने लग जाता है। तो ये होता है क्लच का वर्किंग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आया तो इस गोल बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।